राहुल छोड़ेंगे भारत जोड़ो यात्रा, गुजरात में करेंगे चुनाव प्रचार, 22 नवंबर को लेंगे यात्रा से ब्रेक। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 22 नवंबर को गुजरात में चुनाव प्रचार करेंगे। वो कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा से ब्रेक लेकर गुजरात का दौरा करेंगे। गुजरात में दो चरणों में 1 और 5 दिसंबर को चुनाव होने हैं, वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार नहीं करने के कारण पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष की जमकर आलोचना हुई है, जहां 12 नवंबर को विधानसभा चुनाव हुए थे। अब हिमाचल में चुनाव खत्म होने के साथ ही कांग्रेस गुजरात पर फोकस कर रही है। अगले कुछ हफ्तों में कांग्रेस के प्रमुख पार्टी नेताओं द्वारा राज्य में प्रचार रैलियां निर्धारित की गई हैं। इसके तहत पार्टी आगामी 15 दिनों में कुल 25 मेगा रैली करने जा रही है, जो 125 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगा। कांग्रेस की ये रैलियां आक्रामक चुनावी रणनीति के तहत होंगी, जिसमें पार्टी के तमाम बड़े नेता शिरकत करेंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, दोनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भूपेश बघेल, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के अलावा पार्टी के मुख्य मुख्यमंत्रियों और ओबीसी एससी एसटी अल्पसंख्यक वर्ग के बड़े नेता भी आगामी दिनों में गुजरात में चुनावी रैलियों में प्रचार करेंगे। बता दें, कांग्रेस ने गुजरात चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की 6ठी सूची जारी कर दी है। इस सूची के बाद पार्टी ने अब तक राज्य की 142 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने 4 नवंबर को अपनी पहली सूची जारी की थी, जिसमें 43 उम्मीदवारों के नाम थे। 46 उम्मीदवारों की दूसरी सूची 10 नवंबर को घोषित की गई थी। 7 उम्मीदवारों की सूची शुक्रवार को ही जारी की गई थी। विपक्षी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गुजरात में भाजपा के 27 साल के शासन को खत्म करना चाह रही है।